बयान देकर फंस गए गोपीनाथ मुंडे, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 20 दिन में मांगा जवाब। कांग्रेस एनसीपी ने कहा खत्म करो मुंडे की संसद सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा 100 दिन में महंगाई कम करने का किया था वादा, 1000 दिन गुजर गए फिर क्यों दिया था भरोसा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए दफ्तर की सुरक्षा में सेंध चाकू के साथ एक महिला सचिवालय के अंदर घुसी, अलार्म बजने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में तबाही से मरने वालों की तादाद पर होने लगी सियासत, गृहमंत्री शिंदे बोले सिर्फ 900 लोगों ने गंवाई जान, विधानसभा के स्पीकर का बयान मरने वालों की संख्या हो सकती है 10,000 के पार। देखिए अभी तक का देश का आंकड़ा हमारे पास जो है वो कल रात तक तो था कि 900 था। जो लाशों का ढेर मिल रहा है, जो देख रहे हैं, जो लोग और बता रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये संख्या 10 से ऊपर भी बढ़ सकती है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेखौफ अपराधी लूट के बाद कारोबारी और उसकी पत्नी को मारी गोली।